Now, good evening, children. Today we discuss about the another topic. ठीक है, एक दूसरा टॉपिक में बात कर रहे हैं हम लोग. क्या है? स्लो एंड फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट. ठीक है, या यू मे बी टेल स्लो एंड फास्ट मोशन भी कह सकते हैं इसको. तो चिल्ड्रन, हाउ वी आर आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट कि व्हिच इज मूविंग फास्टर, व्हिच इज मूविंग स्लोअर. तो सिंपल एग्जाम्पल चिल्ड्रन, कि सपोज दैट यू आर ट्रेवलिंग वन सिटी टू अनदर सिटी. ठीक है, सेम. And one is going by bus and one is going by a four-wheeler. They are on four-wheeler. So children, you are seeing if your four-wheeler, जो four-wheeler में जा रहा है अपना कार में, वो का he will be reaches first. वो देखते हैं जल्दी पहुंचता है to compare the bus. So we are telling the car is moving faster. यानी कार जो है ज्यादा तेजी से चलता है. तो children, just take another example. एक दूसरा example देखते हैं. ठीक है, जैसे ये एक कोई प्लेस ए है. ठीक है, और ये कोई एक प्लेस बी है. ठीक है, यहां से क्या है, दो आदमी चलना शुरू करता है. ठीक है, एक्स एंड वाई. ठीक है, एक्स क्या है, ये चलने में इसमें क्या लगाता है, ये 4 आवर लगा रहा है. ठीक है, और ये वाई जो है बी तक पहुंच जाता है आपका 3 आवर में. तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो वाई है फास्ट मूविंग हो गया, ज्यादा तेजी से चलने वाला, एंड एक्स जो हो गया स्लो मूविंग हो गया, वो धीरे धीरे चलता है. ठीक है, यानी आप क्या कह सकते हो कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट, टू ऑब्जेक्ट्स कवर इक्वल डिस्टेंस इन डिफरेंट टाइम, ठीक है, देन वी आर कंपेयरिंग देम हु इज स्लोअर एंड फास्टर मूविंग ऑब्जेक्ट, हु विल बी टेकिंग लेस टाइम. जो लेस टाइम ले रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इट इज फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट. एंड द ऑब्जेक्ट which take more time to cover the same distance, it is slow moving object. And to comparing it, another physical quantity is comes, that is speed. तो यहां से हम लोग को एक क्वांटिटी मिलेगा बच्चों स्पीड का. ठीक है, जिसको हम लोग पता करके क्या बताते हैं, इसमें कौन स्लो मूविंग है और विच इज फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट. हाँ बच्चों, हम लोग बात करते हैं आपका स्पीड का. ठीक है, जो हम लोग का क्वांटिटी है, तो स्पीड क्या होता है, व्हाट इज स्पीड. तो चिल्ड्रन, स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट इन यूनिट टाइम. कोई भी ऑब्जेक्ट जो यूनिट टाइम में डिस्टेंस ट्रेवल करता है, इट इज कॉल्ड स्पीड. उसी को हम लोग स्पीड बोलते हैं. यानी आप शॉर्ट में इसको याद क्या रख सकते हो, डिस्टेंस ट्रेवल. ठीक है, पर यूनिट टाइम, पर यूनिट, यूनिट मीन्स वन होता है. ठीक है, यूनिट टाइम. ये यूनिट टाइम आपका मे भी हो सकता है सेकेंड, मिनट, आवर, एनीथिंग. तो ये याद रखना है आपको. अब क्या है, देखिए यहां क्या बोले, डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम, मतलब वो एक सेकेंड में या एक मिनट में या एक घंटा में कितना डिस्टेंस जा रहा है, वही ऑब्जेक्ट का क्या हो जाता है, आपका स्पीड बन जाता है, स्पीड कहलाता है. ठीक है, तो स्पीड को हम लोग एस से डिनोटेट करते हैं. तो स्पीड इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या बन जाएगा, डिस्टेंस ट्रेवल पर मीन्स डिवाइड, तो टाइम टेकन, टाइम टेकन को टी लिखते हैं, डिस्टेंस को डी लिखते हैं. ठीक है, तो एक्चुअली चिल्ड्रेन, व्हेन यू आर सफरिंग फ्रॉम बस और ट्रेन, यू आर सीट स्पीड इज ऑलवेज नॉट इक्वल. Sometimes it is speed increase, sometimes decrease, sometimes it becomes zero, sometimes it is very high. So according to the situation, उस situation के according, one terms that is called average speed. हम लोग क्या calculate करते हैं, average speed calculate करते हैं. तो average speed निकालते समय क्या लिखते हैं, total distance travelled by total time taken. ठीक है, clear? अब children, यहां से आप देखोगे क्या हम लोग का फॉर्मूला, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम. तो हम लोग को जब जरूरत पड़ता है तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या लिख देते हैं, स्पीड इनटू टाइम लिख सकते हैं एक फॉर्मूला. या आपको फिर टाइम निकालना रहेगा, तो टाइम यदि निकालना रहेगा तो क्या लिखेंगे, डिस्टेंस बाय स्पीड. ठीक है, नाउ चिल्ड्रन वी डिस्कस अबाउट इट्स यूनिट, इसका यूनिट का बारे हम लोग बात करते हैं. तो सबसे पहले स्टैंडर्ड यूनिट विच इज कॉल्ड एसआई यूनिट. ठीक है, जिसको हम लोग एसआई यूनिट बोलते हैं वो आपको बता रहा. तो सबसे पहले क्या देखिए, एसआई यूनिट जिसको हम लोग स्टैंडर्ड यूनिट बोलते हैं. तो चिल्ड्रेन,
यू सी दियर स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, दो क्वांटिटी है ठीक है, क्या क्या है, डिस्टेंस एंड टाइम। तो इट्स यूनिट इज डिपेंड ऑन दिस टू यूनिट, ये दोनों यूनिट डिस्टेंस और टाइम का यूनिट पे डिपेंड करता है ठीक है। तो डिस्टेंस को हम लोग ऐसा है, स्टैंडर्ड यूनिट क्या है आपका मीटर होता है ठीक है, और टाइम का सेकेंड, तो इसका यूनिट क्या हो गया मीटर पर सेकेंड, यहां हमने शॉर्ट में लिख रहे हैं, इसका सिंबल लिख रहे हैं मीटर पर सेकेंड हो गया ऐसा ही। एंड चिल्ड्रेन यू आर सीइंग कि मेनी थिंग्स हैज वेरी स्लो स्पीड, काफी कम स्पीड होता है, लाइक द स्पीड ऑफ एंड स्पीड ऑफ एनी इंसेक्ट, इन सब चीजों का स्पीड आप देखोगे क्या होता है, बहुत स्लो होता है, एकदम धीरे धीरे चलता है ठीक है। तो दैट प्लेसेस वी आर यूज ए स्मॉलर यूनिट, वहां हम लोग क्या करते हैं स्मॉलर यूनिट यूज करते हैं। तो यहाँ दोनों का स्मॉलर यूनिट क्या है, डिस्टेंस को हम लोग सेंटीमीटर में जैसे मेजर किए हैं, तो स्मॉलर यूनिट क्या हो जाएगा सेंटीमीटर पर सेकेंड हो जाएगा। एंड चिल्ड्रन यू आर सेइंग व्हिच आर मूविंग वेरी फास्टर लाइक द एरोप्लेन बस ट्रेन, तो देयर स्पीड इज वेरी हाई, वो सबका स्पीड क्या होता है आपका काफी ज्यादा हाई होता है। देन वी आर यूजिंग ए बिगर यूनिट, तब हम लोग क्या करते हैं बिगर यूनिट लेते हैं। तो डिस्टेंस का बिगर यूनिट क्या पढ़े हम लोग, किलोमीटर पढ़े हैं, पढ़े हैं किलोमीटर पढ़े हैं। एंड द बिगर यूनिट ऑफ टाइम इज आवर, टाइम को हम लोग आवर में लेते हैं, तो बिगर यूनिट क्या हो गया इसका किलोमीटर पर आवर। वैसे और एक यूनिट है इसका हम लोग जिसको मीटर पर मिनट भी बोलते हैं ठीक है, शॉर्ट में लिखते हैं मीटर पर मिनट। तो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन स्टूडेंट वी आर यूजिंग द यूनिट, सिचुएशन के अनुसार हम लोग यूज करते हैं यूनिट इसको। लेकिन ऐसा यूनिट जब पूछा जाएगा या स्टैंडर्ड यूनिट, तो आपको मीटर पर सेकंड ही लिखना है ठीक है। एंड चिल्ड्रन नेक्स्ट टू थिंग्स ठीक है, यू सी हाउ वी आर मेजर, आप गाड़ी में बाइक में देखते हैं इन द डेस्कटॉप ऑफ द व्हीकल्स, वहां कैसे सर्कुलर रहता है, आजकल आपका क्या है डिजिटल आ गया ठीक है, और यहाँ पर एक नीडल रहता है इसे देखते हैं, उसमें कुछ रीडिंग लिखा रहता है इसे साइड में देखेगा ठीक है, 0, 10, 20 ऐसे करके, और इस पार्ट में एक देखोगे आपका रीडिंग आता है यहाँ ठीक है। तो एक्चुअली क्या होता है, जो आप ऊपर में ये रीडिंग देखते हो उसको बोलते हैं हम लोग स्पीडोमीटर, क्या बोलते हैं स्पीडोमीटर ठीक है। ये क्या मेजर करता है, स्पीड मेजर करता है गाड़ी व्हीकल्स का, उस समय का स्पीड बताता है, और यहां देखिएगा डिजिट ऐसे आगे बढ़ते रहता है, उसको बोलते हैं ऑडोमीटर, क्या बोलते हैं ऑडोमीटर। वो क्या बताता है कि आपका गाड़ी कितना ट्रेवल किया, डिस्टेंस कितना किलोमीटर गाड़ी चला वो बताता है। तो ये ऑडोमीटर क्या मेजर करता है, आपका डिस्टेंस मेजर करता है, एंड स्पीडोमीटर आपका स्पीड मेजर करता है। तो चिल्ड्रंस ये वीडियो कैसा लगा, यू मस्ट बी कमेंट, आप कमेंट्स जरूर करेंगे, कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिखोगे, एंड मस्ट बी शेयर विद योर फ्रेंड्स, पेरेंट्स के साथ शेयर जरूर करना, सो दैट वो भी आपका फायदा उठा सके। चिल्ड्रंस इन द नेक्स्ट वीडियो, इसके बाद वाला वीडियो में हम आपको इससे रिलेटेड जो है फॉर्मूला, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस इज इक्वल टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय, इस फॉर्मूला से हम लोग बात करेंगे न्यूमेरिकल्स का। थैंक यू चिल्ड्रंस फॉर वॉचिंग।